नहीं, ये बड़ी एजाज की बात है कि हमारा सेकेंड ईयर का जो बैच है ये 10वां बैच है कॉलेज का, जो 10 साल हो गए हमारे स्कूल को, तो ऐसे 24 इयर्स हुए हैं मगर ये 10वां बैच जा रहा है। बहुत से अच्छे बैचेस आए हैं और गए हैं, ये इस बैच से इख्तलाफ भी बहुत थे मगर फिर भी मैं कहता हूं काफी अच्छे बैचेस में था, एक था ये, इन्होंने काफी मेहनत की है, खासतौर नुमान सर के बाद आने के बाद इन्होंने बड़ी एफर्ट्स किए हैं और इनको बड़ा नफसियाती तौर मोटिवेट किया है और इनको पढ़ाई की तरफ लेके आए हैं। देखिए सबसे पहला मकसद ये होता है, जब ये सब पढ़ाई करता है उसका कोई एम होना चाहिए। सबसे बड़ी हमें सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम कोई एम लेके नहीं आते। हमने एफएससी पढ़नी है, मेडिकल पढ़नी है, बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर बने बने ना बने उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं, हमेशा हर स्टडी की कोशिश करें, तीन चार एम रखें। पहला नहीं बन सकते दूसरा बने, दूसरा नहीं तीसरा बन सकें। अफ्रा की मिसाल सबसे सामने आपके सामने है, मैं कहता हूं ये अभी इलेक्ट्रिशियन इन्हें मिली है, इससे पहले इन्हें सीएसएस की दो बार ट्राई की है, वो फल इनका जाया नहीं किया, वो दूसरी तरफ इनको फल 17 ग्रेड का जो सीएसएस करके बनते हैं मगर इन्हें 17 ग्रेड फिर मिल गया। इसी तरह हम एक गोल रखें अपना, एक मकसद रखें हमने करना क्या है।